सुखावर नगर के हाईवे रोड स्थित यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर सभासद सनी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय सभासद सनी यादव के साथ स्थानीय लोग जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। आज नगर के यादव कॉलोनी में बिन बरसात के जलभराव होता रहता है। इनकी मांग है कि पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या जारी है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने मांग की, जब तक प्रशासन व पालिका द्वारा जलभराव की समस्या का पूर्ण निजात दिलाने की बात नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। इस मौके पर गौरव चौधरी, टल्लू यादव, शंकर शर्मा, भोले रविंद्र सिंह यादव, टाटा सिंह, नवल किशोर, अवनीश ध्रुव कुमार, राजेश कुमार, सोयब अंसारी, राजवीर सिंह, सुभाष चंद, काली चरण के अलावा दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। जी समस्या ये है कि ये सड़क अंदरूनी जो बनी हुई है इसको पूरी की जाए, और आए दिन जाम लगा रहता है, आए दिन पानी भरा रहता है, माताएं बहने परेशान रहती हैं, लड़कियां यहाँ पूजा वूजा करने आती हैं, सामने बनते हैं। तो आप लोग किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की अभी तक? शिकायत हमारे सभासद हैं, करते रहते हैं, आज हमारे अधिकारी लोग सुनते नहीं है आप लोग? अधिकारी सुन नहीं रहे। ये किस जगह का मामला है? यादव कॉलोनी और आगे का। और क्या समस्या लेकर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर? मेरा नाम सनी यादव है, मैं सभासद हूँ यादव कॉलोनी के, वार्ड नंबर 4 से। समस्या हमारी ये है कि सुखावर नगर पालिका कोई काम नहीं करा रही है। यादव कॉलोनी जलभराव की सबसे बड़ी समस्या है, और प्रतिदिन बरसात हो या ना हो, मगर यादव कॉलोनी पानी प्रतिदिन भरता है, प्रतिदिन। और माताएं बहनें और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो पानी घुसने तक होता है, अंधेरी घटनाएं हो चुकी हैं, नालियां गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं। CMA साहब को, DM साहब को और विधायक जी को, सांसद जी को भी सूचित किया है, सबको पता है यादव कॉलोनी समस्या कितनी पुरानी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई समस्या हल नहीं की। आधी रोड बन चुकी है, हमने बनवा दी थी, लेकिन आधी रोड रह गई है, अभी तक इसकी कोई समस्या, कोई सुनवाई नहीं है, और आए दिन बच्चे परेशान होते रहते हैं, नालियों में गिरते रहते हैं, और हादसे भी हो चुके हैं कुछ बहुत बड़े बड़े। आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? जैसा पानी से हम तक 30 साल से नरक में जी रहे हैं, कब तक जिए? बच्चे कोई नाली में गिरते, कुछ का था, घोटू घोटू पानी रहता है बरसात में, क्या करेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे? आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से या नगर पालिका से? नगर पालिका ने सबको ज्ञापन दिए, सबको दिया, सबको बुलाया, कोई सुनवाई नहीं है।